What's good everybody and welcome back to my channel, Simanshu here. तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी रबर की स्लाइड्स, चप्पल, सैंडल्स या फिर फ्लोटर्स आप कैसे इसको श्रिंक कर सकते हो बिना किसी केमिकल को यूज़ किए. और बहुत ही ईजी है ये स्टेप्स, ऑलमोस्ट शायद सारे ही फ्लोटर्स के साथ चलें. मुझे ये नहीं पता ये हवाई चप्पल के साथ काम करेगा या नहीं करेगा, पर जो मैंने आपको अपनी ये ईजी स्लाइड्स दिखाई थी, ये मैंने शायद दो चार वीडियोस पहले बनाई थी इसका रिव्यू. तो ये वाली जो स्लाइड है ये मैंने श्रिंक करने की कोशिश की थी. ये ऑलरेडी मुझे हल्की सी थोड़ी सी मतलब खुली थी ऊपर से यहाँ से, तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ. और एक्सपेरिमेंट वर्क किया और ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गई. अब ये मुझे आ तो रही है पर आगे से थोड़ी टाइट हो गई है, तो मैं आपको बताऊंगा. इस पे तो मैंने कर दिया ऑलरेडी, तो मैं इसका नहीं बताऊंगा आपको. जो मेरे पास ये क्लॉग्स हैं ये मैंने शीन से खरीदी थी, बहुत पहले खरीदी थी, शायद दो तीन साल पहले खरीदी थी ये. और ये जो है ये मुझे ठीक आती हैं, तो मैं जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ मैं इस पर ट्राई करूँगा. और आप हो सके तो आप अपने क्रॉक्स पे मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी क्रॉक्स का नहीं पता ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा. पर अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो क्लॉग्स में भी, अपने क्रॉक्स में मतलब. तो मेरे पास ये शीन के क्लॉग्स हैं, मैं इस पर ट्राई करूँगा. ये नॉर्मल रबर के ही हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ है नहीं इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ की हुई. तो इस पर ट्राई करते हैं. और इसके लिए आपको बस चाहिए आपके फ्लोटर्स, क्लॉग्स, स्लाइड्स या स्लीपर्स वगैरह, कुछ भी जो भी आपको श्रिंक करना है. शूज़ पे वर्क करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं, पर मटेरियल पूरा रबर का होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट रबर. तो इस पर ट्राई करते हैं. जैसे मैंने बताया इसका प्रोसीजर बहुत ही ईजी है. स्लाइड्स चाहिए आपको, फ्लोटर्स चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स चाहिए. प्लास्टिक का होगा तो ठीक है, पर अगर ग्लास का है आपके पास तो और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा. बस ये देखिएगा कि वो पूरा मतलब ओपेक ना हो, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट हो, ताकि सनलाइट अंदर जाए और काफ़ी अच्छे से हीट अप करे उसको. और मेटल का मत यूज़ कीजिए, मुझे पता नहीं उसमें वर्क करेगा कि नहीं करेगा. तो ऐसा कोई भी आप ले लीजिए डब्बा, ये प्लास्टिक का है मिल्टन का, तो आप देखिएगा अगर आपका टप्परवेयर वगैरह के बॉक्सेस पड़े तो उसमें आप कर लीजिए. तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि क्या करना है. स्लाइड्स आपको इसके अंदर डालनी है, इसको बंद करना है, उसके बाद आपको ऐसे एरिया पे छोड़ देना है जहाँ पे पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा धूप रहे. तो आपको ये बस 4 से 5 दिन तक छोड़ना, अगर आपको थोड़ा सा ही अपना साइज डिक्रीज करना है इसमें. और अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखना है तो आप 10 दिन 15 दिन के लिए रख सकते हो. पर हो सकता है उससे आपकी रबर थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ी ब्रिटल हो जाए, थोड़ी जल्दी से वो टूटना शुरू कर सकती है. तो आप बीच में ब्रेक लेके भी कर सकते हैं, जैसे 5 दिन कर दिया, 3-4 दिन रूम में रख लिया, फिर उसके बाद फिर 5 दिन के लिए कर लिया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो. तो इसको अब डायरेक्टली आपको मैं बताता हूँ कि इसका साइज़ क्या है श्रिंक होने से पहले, और श्रिंक होने के बाद का भी आपको मैं साइज़ बताता हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि कैसा रिजल्ट रहा. ठीक है, तो आपके लिए छोटी सी एक ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, तो आप इन्जॉय कीजिए. तो जैसा आप देख सकते हो ये क्लॉग्स हैं और मैंने इसको मेजर भी कर लिया है. तो ये टोटल 27 इंचेस दिखा रहा है, 20 + 7 = 27 इंचेस. और ये क्लॉग्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था, रबर की क्लॉग्स हैं. आपको एक बॉक्स चाहिए प्लास्टिक का, ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट कुछ भी चलेगा, बस जिसमें से लाइट पास हो. तो ये वो बॉक्स है, आप बस ये देखिएगा कि इसके अंदर फिट हो जाए बॉक्स के अंदर और काफ़ी अच्छे से अंदर सील हो जाए. कोशिश करिए कि ये ज़्यादा आपको बेंड ना करना पड़े, क्योंकि जिस हिसाब से आप इसको बेंड करोगे वैसे ये शेप लेगा. तो मैं देखता हूँ, क्योंकि दूसरी वाली जो स्लाइड्स थी उसमें मेरे को ज़्यादा प्रेस करना पड़ा था, तो उससे एक साइड की जो स्लाइड्स हैं वो थोड़ी स्क्वीज़ हो गई है ज़्यादा आगे से, पर कोई बात नहीं, वैसे ये भी मैंने कर दिया है. अब कुछ नहीं करना, अब खाली वेट करना है, इसको मैं धूप में रख दूँगा. तो अब इसको मैं धूप में रखता हूँ. अब मैं छत में आ गया हूँ और ये बॉक्स एक ऐसे स्पॉट पे रखना है जहाँ पे कांस्टेंट धूप आती रहे, जहाँ पे पूरा दिन धूप रहती है. तो इसको अब मैं 4-5 दिन के लिए छत पे रखूँगा. तो अब मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ रिजल्ट्स पे. तो जैसा आप देख सकते हो ये कितने मतलब 6 या 7 दिन, 5 या 6 दिन रहा होगा धूप में बॉक्स में. कुछ दिन बारिश भी रही थी, तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं. तो लग तो रहा है कि काफ़ी चेंजेस आए हैं. देखते हैं अब लेंथ कितनी है इसकी. तो ये आप देख सकते हो मैंने पूरा खोल लिया है, पहले जो था 27 तक था और अब देखते हैं कितना है. पहले इसको पूरा पीछे से मैच कर लेते हैं. ठीक है,
देखते हैं अब लेंथ कितनी है इसकी। तो ये आप देख सकते हो मैंने पूरा खोल लिया है। पहले जो था 27 तक था और अब देखते हैं कितना है। पहले इसको पूरा पीछे से मैच कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा तो ये 27 से 24 एंड हाफ 25 ऑलमोस्ट 25 से थोड़ा कम ही है। तो ये हो गया है छोटा। तो अगर आप और छोटा करना चाहते हो, मुझे तो ज़रूरत नहीं थी वैसे, पर अगर आप छोटा करना चाहते हो तो इसको 10 से 15 दिन रखो तो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये सेम चीज़ राइट के साथ भी हुई, पर थोड़ी शेप में डिफरेंस हो गया है। ये थोड़ा दब गया था यहाँ से ऐसा है, और ये ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही हो आपके लिए, अगर किसी आपके फ्रेंड को ऐसी कोई सजेशन या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। और आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी लगता है कि आपके पास कोई और तरीका है इसको श्रिंक करने का, या कोई भी शू या स्लीपर्स वगैरह श्रिंक करने का, तो आप मुझे बताइए और काफ़ी सारे लोगों की भी हेल्प होगी। और अगर आपको कोई भी सजेशन है तो आप वो भी कमेंट्स में जाके बता सकते हो, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट सारे ही कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं रिप्लाई आज नहीं करता तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद करूँ, पर मैं हाँ कोशिश करता हूँ कि सबके रिप्लाई करूँ, ठीक है। तो मैं आपको बहुत जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ऑलराइट, बाय, टेक केयर, पीस।